नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक जड़ी बूटी के बारे में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अश्वगंधा। हम जानेंगे अश्वगंधा खाने के कुछ फायदे और साथ ही कुछ सावधानियां भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्वगंधा भारतीय आयुर्वेद में एक प्राचीन जड़ी बूटी है जिसका उपयोग शरीर को ताकत और ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा तनाव को कम करने में मदद कर सकता है और अवसाद से लड़ने में सहायक हो सकता है। इसका उपयोग शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी किया जाता है। अश्वगंधा के नियमित सेवन से शरीर की क्षमता बढ़ती है और शारीरिक स्थायित्व भी मजबूत होता है। यह दिमाग को तेज कर सकता है और समझदारी में सुधार कर सकता है। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रोग प्रतिरोध को बढ़ावा देते हैं। अश्वगंधा खाने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अश्वगंधा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नहीं लेना चाहिए। अश्वगंधा कुछ लोगों में त्वचा एलर्जी और चकत्ते के कारण जल्दी से बन सकते हैं। इसे अधिक मात्रा में लेने से पेट में असुविधा और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। अश्वगंधा थकान का कारण बन सकता है, इसलिए इसे सोने से पहले लेना बेहतर होता है। अश्वगंधा का पाउडर, चूर्ण, कैप्सूल या तेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। शुरुआत में आप थोड़ी मात्रा से शुरू करके देख सकते हैं और अपने डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। यदि आपको किसी अनुभव से संबंधित कोई भी असुविधा होती है तो तुरंत उसका सेवन बंद करें और चिकित्सक से सलाह लें। अश्वगंधा एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जिसमें कई स्वास्थ्य वर्धक गुण होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसका सेवन सही मात्रा में और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या हो या गर्भवती हो तो इसे खाने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेल्थ इन्फो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।